अगर आप अलीगढ़ में रहते हैं और आपने कुत्ता या बिल्ली पाल रखा है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो 31 मार्च तक करवा लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ऐसा कहना है अलीगढ़ नगर निगम का। कभी दिल्ली गाजियाबाद तो कभी देश के अलग अलग शहर, हर तरफ कुत्तों की दहशत है। कुत्तों के हमले के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसमें आवारा कुत्तों के अलावा पालतू कुत्ते भी हमलावर होते देखे जा रहे हैं। अलीगढ़ की बात करें तो यहां भी सड़कों पर आवारा आतंक दिखता है। अलग अलग इलाकों में कुत्तों के काटने के केस सामने आ चुके हैं। कहीं गलियों में कुत्ते का झुंड दिखाई पड़ता है तो वहीं सड़कों पर भी कुत्तों का खौफ दिखता है। अलीगढ़ में अब बिना लाइसेंस के कुत्ता या बिल्ली पालने पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर आपने पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ये भारी भी पड़ सकता है। बिना लाइसेंस के कुत्ता या बिल्ली पालने पर अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, क्योंकि अलीगढ़ में नगर निगम पूरी तरह एक्शन में आ चुका है। नगर निगम की टीमें इस अभियान के तहत घर घर जाकर लाइसेंस की जांच करेंगी। नगर निगम समय समय पर गाइडलाइन भी जारी करता है। अलीगढ़ में नगर आयुक्त ने डॉग लाइसेंस पर समीक्षा बैठक की। अनुमान से कम लाइसेंस बनने पर नाराजगी भी जाहिर की। बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि अगले 15 दिनों में आवासीय कॉलोनी, अपार्टमेंट और मोहल्लों में नगर निगम की टीमें घर घर जाएंगी, जहां पालतू कुत्तों और बिल्ली के लाइसेंस की पड़ताल होगी। कुत्ता या बिल्ली पालने वाले अगर 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, पालतू जानवरों को जब्त भी किया जा सकता है। नगर आयुक्त के मुताबिक नगर निगम ने लगातार कैंप आयोजित कर पालतू कुत्ता और बिल्ली का रजिस्ट्रेशन कराए जाने की व्यवस्था की है। लेकिन कई पशु स्वामी ऐसे हैं जिन्होंने अपने जानवरों का लाइसेंस नहीं बनवाया है। पालतू पशु का रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी है। अगर नगर निगम ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है, इसके लिए नगर निगम ने टीम भी गठित कर दी है। नगर निगम सभी डॉग शो और वेटरनिटी क्लिनिक पर भी नजर बनाए हुए हैं। यहां पर भी चेकिंग की जाएगी। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ के नगरीय क्षेत्र में 133 मालिकों ने अपने कुत्ते का पंजीकरण कराया है। अलग अलग नस्ल के कुत्तों का पंजीकरण शुल्क 200 रुपए से लेकर 600 रुपए तक है। इसमें देसी के अलावा विदेशी नस्ल के कुत्ते भी शामिल है। नगर निगम को कुत्तों के हमले की लगातार शिकायतें मिलती रहती है और यही वजह है कि अब नगर निगम भी हरकत में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।